Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. Ek aisi zameen bas magic hai jahan har su taqat ka sama na jaane koi kaun bees ban jaye aur kisi ke haath na नफरतें बढ़ती ही जाए शहजा देख न पाए खतरों से ना डरे ना वो घबराए मंजिल से मिल जाए आए शहजा सुन को जैसे मिटाए आए शहजा आए आके हर उलझन सुलझा हमने एक ताकतवर और तन्हा सी मॉन्स्टर का सामना किया मगर जब हमें पता चला कि उसके बच्चों को दुनिया जात ने किडनैप कर लिया है हमने उसे हेल्प ऑफर की वाटर स्पिरिट्स में ट्रांसफॉर्म होकर हम उसके बच्चे वापस लेने के लिए गोल्डन पैलेस गए याद रखना मेरी बात और इस काम के रिवॉर्ड में हमें डायरेक्ट ट्रिप मिला वॉक वॉक आइलैंड का तो ये है वॉक वॉक आइलैंड फाइनली हम पहुंच ही गए ये क्या हो गया मैं नहीं देख सकता अब मुझे नजर नहीं आ रहा मदद करो मेरी क्या हो गया ये मेरे साथ क्या हो गया करो ओके ये लो सूरज की रोशनी ठीक है तो पहले मुझे नजर नहीं आया आई होप कि यही वो आइलैंड हो ओह आई एम श्योर कि यही वो आइलैंड है हमें ट्री ऑफ लाइफ मिल जाएगा और फिर सॉरी लगता है किसी बग ने काटा है चलो फिर हम बातों में यहाँ वक्त जाया नहीं करते क्योंकि हमें जल्द से जल्द आगे बढ़कर ट्री ऑफ लाइफ को तलाश करना है वैसे क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है मेंढक परफेक्ट होते हैं ग्रिल के लिए इन्हें अगर नींबू निचोड़ कर खाया जाए तो मजा आ जाता है अगर बुरा लगा तो माफी चाहता हूँ लेकिन मुझे वाकई भूख लगी है लेकिन ये मेंढक की आवाज़ की तरह नहीं है मेंढक हो या ना हो ये जो कुछ भी है मैं इसे खाने वाला हूँ तुम कहाँ हो क्या यहाँ छुपे हो What? Talking heads. वैसे ही जैसे प्रिंस अहमद ने बताया था तो इसका मतलब हम सही आइलैंड पर हैं। तो ये तो अच्छी खबर है क्या आपको अभी भी भूख लगी मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगता है इन्हें कोई चीज परेशान कर रही है हम तो नहीं इसकी वजह हो सकता है इनकी परेशानी की वजह ये हो कि ये सूखे हुए फलों में बदल चुके हैं क्या ख्याल है तुम्हारा नहीं मुझे लगता है ये हमें कुछ बताना चाहते हैं ये जादूगरनी तो नहीं हाँ मगर दिखने में बहुत यंग नजर आ रही है काफी खूबसूरत है ओह मैं बात करूँ क्या वेलकम टू वॉक वॉक आइलैंड मैं हूँ प्रिंसेस फेरी बानो ओह तो क्या आप वॉक वॉक आइलैंड की चुड़ैल हैं तुम्हें चुड़ैल नजर आ रही हूँ मैं प्रिंसेस हूँ मैं सुना नहीं मेरे बारे में ओह हाँ हमारा एक दोस्त आपसे मिला था उसी ने कहा लेकिन हो सकता है वो किसी और से मिला हो किसी और से नामुमकिन यहाँ की प्रिंसेस मैं हूँ कोई और नहीं तुम चुप करो काफी दूर से आए हैं ना आप लोग थक गए होंगे भूख भी लगी होगी ये खाएंगे ओह ये तो बहुत मजे का लग रहा है रुको सिंबाद नहीं अच्छा क्या आप किसी प्रिंस अहमद को जानती हैं? अहमद जरा सोचने दो नहीं इतने सारे लोगों से मिलती हूँ कैसे याद रहेगा आपको वाकई नहीं याद आपने उससे अपना किंग बनने के लिए कहा और फिर उसके क्रू को कर्ज कर दिया अच्छा वो याद आया मिली थी मैं उससे लेकिन सच कहूँ तो बहुत ही बोरिंग था कोई खास बात थी ही नहीं उसमें इसलिए मैंने कहा कि तुम जाओ वापस उम्मीद है कि वो खैरियत से होगा बहुत ही अजीब लड़का था इतने खामोश क्यों खड़े हो कहीं तुम भी उसकी तरह बोरिंग तो नहीं
मैं और बोरिंग। मुझे बहुत नामों से पुकारा गया है लेकिन बोरिंग कभी नहीं कहा गया। हाँ, मैं तो भूल ही गई। आप सबको ये जरूर ट्राई करना चाहिए, फ्रेश डोंकी मिल्क। ओह नो, थैंक यू, मुझे एलर्जी है डोंकी मिल्क से। जी हाँ, ये ठीक कह रहे हैं और हम सबके साथ यही मसला है। मुझे तो डोंकी मिल्क बहुत पसंद है और डोंकी तो वाकई बहुत अच्छे होते हैं और उनका सूप भी। आप सब लोग मेरे मेहमान हो यहाँ, आपकी ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फर्ज है। बताइए क्या चाहते हैं? हम ट्री ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? मेरे पास 3 मेहमान आते हैं यहाँ पूरे साल में और आते ही उनका पहला सवाल ट्री ऑफ लाइफ होता है और कुछ नहीं। कोई मेरे बारे में तो पूछता ही नहीं कि मैं यहाँ कब से हूँ और किस हाल में हूँ। जानते हो, पूरा दिन मुझे इन पौधों से बात करनी पड़ती है। मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, कोई तुम्हें समझे या ना समझे। ज्यादा हम तक बनने की जरूरत नहीं, वरना इन मेंढकों को छोड़कर मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। मुंह बंद करो अपना। तो मैं क्या कह रही थी? ओ याद आया, ऑरेंज खाएंगे आप लोग? ठीक है, सिर्फ एक। कैसे लगा मेरा मजाक? अच्छा था ना, अब वापस कर दो ये। हाँ हाँ, वेलकम माय फ्रेंड्स, आप हैं मेरे गेस्ट, मुझसा नहीं कोई, सबसे हूँ बेस्ट, कोई नहीं है आपके सिवा, जो बन जाए साथी मेरा, मेरा साथी, मेरा साथी। कितना हमें इसे अपनी बातों में फंसाना होगा, इससे पहले ये हम सबको पत्थर का बना दे। ये मुझ पर छोड़ दो तुम, मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ। मैंने बहुत से जादूगरों को अपने जाल में फंसाया है। सिंबाद दी सेलर आपकी खिदमत में हाजिर है लेडी। आपने यकीनन मेरी बहादुरी के किस्से सुने होंगे और अगर नहीं सुने तो वॉक करते करते मैं आपको सारे किस्से सुना देता हूँ। सुना तो नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकते हो मेरे साथ हमेशा के लिए, फिर अपने किस्से सुनाते रहना। वेल, मैं हमेशा के लिए तो आपके साथ यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए बुरा मत मानिएगा लेडी। मैंने सोचा था कि हम शायद खबरदार जो तुमने अब मुझे लेडी कहा, अब मुझे तुम योर हाइनेस कहकर बुलाओगे, वरना तुम्हारा सर इन्हीं पेड़ों पर लटका हुआ नजर आएगा। ओके, मैं समझ गया। एक बार आप भी ट्राई कर लीजिए। मेरे ख्याल में आपने हमारी बहुत मेहमान नवाजी कर ली है, अब हमें चलना चाहिए। नहीं नहीं रुको, तुम लोग मेरे मेहमान हो और मैं तुम लोगों को नाराज नहीं करना चाहती। चलो एक काम करते हैं, हम इसके लिए एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? अगर तुम लोगों ने दोपहर तक वो ट्री ऑफ लाइफ ढूंढ लिया तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगी, और नहीं ढूंढ पाए तो वाक वाक। और अगर हम शर्त ना एक्सेप्ट करें? जो कुछ भी हो रहा है मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ना हमने कुछ देखा ना सुना, भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। मुझे मंजूर है। नहीं। ओ, क्या? करीम। ओके, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। क्या मतलब, कैसी शर्त? यही कि आप ट्री ऑफ लाइफ को छुपाने के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगी। हाँ, जादू नहीं। ओ, चलो ठीक है। गुड लक। याद रहे, मेरी नजरें तुम लोगों पर ही रहेंगी। उससे एग्री करते हुए तुम सोच क्या रहे थे करीम? यही कि इतनी मुसीबतों के बाद यहाँ पहुँचे हम लोग और अब हमें ढूंढना है ट्री ऑफ लाइफ और वो हमें जल्द मिल जाएगा। Thank you.
दुनियादार, कहाँ हो तुम? ओ अच्छा, तो तुम यहाँ हो। ओह आई सी, जरूर कोई खास चीज बन रही है। क्या हम ये खा सकते हैं? ये मेरी मॉम की रेसिपी है, इसको खाने के बाद हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। ओह काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बिल्कुल, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। पूछना था, ये क्या करता है, हैं? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। इस चट्टान को पहले क्रॉस नहीं किया था? अगर हम यहाँ आए होते तो हमारे फुटप्रिंट तो जरूर होते। मगर मुझे ये ट्रीज फैमिलियर लग रहे हैं। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी इन्हें देखकर ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये ट्री ऑफ लाइफ नहीं है और वो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि हम उसके बहुत नजदीक हों। करीम ने सही कहा, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, है ना? मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन भूख की वजह से ज्यादा देर पॉजिटिव रहना मुश्किल है। इन्हें अंदाजा ही नहीं कि इस आइलैंड पर आज तक मुझसे कोई नहीं जीता। लगता है ये आइलैंड हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़ा है। दोपहर होने वाली है, अगर हमें जल्दी ट्री नहीं मिला तो हम शर्त हार जाएंगे। अगर कुछ खाया नहीं तो इस शर्त को पूरा करने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन क्या खाएंगे? इस आइलैंड पर कुछ भी तो नहीं है सिवाय इनके। वॉक वॉक टॉकिंग हैट्स, मजेदार होंगे खाने में। यम्मी। वॉक वॉक। अब क्या हुआ? अभी पूरा दिन बाकी है, हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते। उस तरफ देखो जरा। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था कि वहाँ ऊपर चिकन और चावल के साथ साथ मीठे में भी बहुत कुछ होगा। लगता है बादलों से कुछ छुप रहा है। लेकिन कोई ट्री वहाँ नहीं हो सकता, है ना? हाँ लेकिन चलकर देखने में कोई बुराई नहीं। ज्यादा दूर नहीं है वो, हम वक्त पर पहुँच जाएंगे। ओ, क्या करूँ ऐसा कि ये वहाँ वक्त पर ना पहुँच पाए। ओ हाँ। ओह बहुत भूख लग रही है, क्या करूँ मैं, कुछ मिल जाए खाने को तो। वो देखो। नहीं, हम यहाँ से कुछ नहीं खा सकते। ये वापस करो, मुझे खाना है इसे। नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रहे? ठीक है रखो इसे, मैं और तोड़ लूंगा। देखो इसे, ये वाला तो मुझे और भी मजेदार लग रहा है। अच्छा रुको एक मिनट, पहले चेक करते। डिलीशियस। अब तुम सब भी खा लो अगर जिंदा रहना चाहते हो तो। वैसे दिखने में अच्छे लग रहे हैं। वो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इससे ज्यादा मजेदार फल आज तक नहीं खाया। ओ सिंबाद, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ? तुम जानते हो मैं कितना याद कर रही थी तुम्हें। की करना क्या चाह रही है? I'm coming, my sweetheart. आखिर ये चाहता क्या है? मैं तो समझ रहा था ये मजाक कर रहा है। आह, तुम ठीक ही कह रहे हो करीम। ओ, मेरे बहादुर सिंबाद। मैं यहाँ हूँ सिंबाद, मेरे पास आओ। सिंबाद, सिंबाद वापस आए। वो सुन भी नहीं रहे, ये कोई मैजिक ट्रिक है। अब रुक जाओ यहीं, स्लीप। ओह माय,
मोरगाना। उपसी कुपसी। ओह नो। मैंने सिंदबाद को मना भी किया था कि कुछ मत खाना, मगर ये भूखा सुनता कहाँ है। शुक्र है कि तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया यहाँ से। समझ नहीं आ रहा कि अब सिंदबाद को उसके जाल से कैसे निकालेंगे हम। ओह माय फ्रेंड्स, आइए ना यहाँ। वहाँ क्यों खड़े हैं? नहीं करीब, रुको, ये ट्रिक है, इसकी मत सुनो। यहाँ आओ मेरे फ्रेंड्स, आकर अपना तख्त संभालो। I am coming, my dear friend. सो जाइए। तुमने क्या किया इनके साथ? परेशानी की बात नहीं, बस आराम कर रहे हैं ये। जब उठेंगे तो बिल्कुल ठीक होंगे। हलील जाओ और इस ट्री से पत्ते ला कर दो। सोते रहो इसी तरह शाम तक। ओ, मेरी शहजादी, कहाँ रह गई थी तुम? जानती हो कितना इंतजार किया मैंने। आओ, मेरे पास आओ। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आ जाओ। और अब तुम भी स्लीप। ए, तुमने धोखा किया हमारे साथ। वादा किया था मैजिक इस्तेमाल नहीं करोगी। ओह नो 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 नो, मैंने कहा था कि मैं ट्री ऑफ लाइफ को छुपाने के लिए जादू नहीं करूंगी। मैं कभी भी वादा खिलाफी नहीं करती। तुम जैसे जीनी को तो ये मालूम होना चाहिए था। तुम्हारे नन्हे से दिमाग को अगर अब ये बात समझ आ गई है तो जाओ यहाँ से। लाला। ये काम कर गया। बिलाखे मैं ही काम आया। सिंदबाद अपनी आंखें खोले। करीम उठो। मैंने देखा मैं अपने घर पर था और तुम वहाँ थी और आगे कुछ याद नहीं आ रहा, सब ब्लर हो रहा है, लेकिन ख्वाब अच्छा था। क्या ये ख्वाब था? ओह कम ऑन, आधा दिन हो गया है। क्विक रात। एब्रा डेब्रा पंजा जेब्रा, ये क्या? मैंने तो जेब्रा कहा था। क्या मैंने फ्रूट कहा है? मेरा ख्याल है कि आप कुछ और ट्राई करें, जैसे कि कप। मुझे कप नहीं चाहिए, जेब्रा बनाना है इसे। क्या हो रहा है ये? मैं बेटी हूँ अजीम जादूगरनी आसफा फसीहा की, इसे मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। लिटिल एम्स, रिपोर्ट यहाँ लेकर आओ। ये जरूर काम करेगा। ये क्या है? हाँ, ये बॉटल मेरी मॉम की निशानी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये खाली है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, इसके अंदर है ड्रॉप। क्या? ये मुझे दो। What is that? क्या? वो रहा, the tree of life. Wow, the tree of life. क्या हम वक्त पर पहुंच जाएंगे? अगर मुझसे पूछो तो नामुमकिन है। यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन तुम ये भूल जाओ कि इस पहाड़ के ऊपर चढ़ पाओगे, जिसका मतलब है मैं जीत गई हूँ। अब तुम लोग मेरे साथ रहोगे हमेशा। ये ठीक कह रही है, वो बहुत ऊपर है। ओह कम ऑन, क्या सोच रहे हो अब तुम? हम सब साथ मिलकर रहेंगे, बहुत मजा आएगा। तुम लोगों को यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरा वादा है ये। तो रहोगे ना साथ? हम तकरीबन पहुँच गए थे। एक मिनट रुके, हम हारे नहीं हैं। शर्त में ट्री तक पहुँचने के बारे में कुछ नहीं डिसाइड हुआ, हमने सिर्फ उसे ढूंढना था और हमने ट्री ढूंढ लिया।
हाँ लेकिन बात ऐसी नहीं है, तुम लोग यहाँ रुक जाओगे तो। देखो आप मुकरना मत, तुमने जो कहा हमने वो माना, वादा खिलाफी अच्छी बात नहीं होती। देखो अगर तुम अपनी बात से मुकरोगी तो चुड़ैल बन जाओगी। चलो ठीक है, मैं हार गई। जीत गए तुम लोग। हाँ हम शर्त जीत गए। हाजिर है नया गीत, बिल आखिर हुई है जीत, बस यूं ही बढ़ते जाएंगे तो हो जाएंगे कामयाब। अब तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। सॉरी। आजाद करो हमें। कौन सी बलाई? आजाद करो हमें और अपना गुलाम बना लो। ये क्या हुआ? तुम खामोश रहो। क्या चाहते हो तुम? कैद में है हम, आजाद करवाओ हमें। हम ट्री ऑफ लाइफ में कैद है, हमें वहां से आजाद करवाओ ताकि हम तुम्हारे गुलाम बन जाए। ट्री ऑफ लाइफ? थोड़ी देर चुप रह सकते हो तुम? अच्छा कैसे आजाद करवाएं तुम्हें, बताएं प्लीज। उस दरख्त को तबाह करना होगा, उसके बाद दुनिया की सारी शैतानी ताकतें तुम्हारे ताबे होंगी। इसलिए हमें आजाद करवाओ, हम जानते हैं तुम ही कर सकती हो ये। कहाँ ये ट्री ऑफ लाइफ और ढूंढू कैसे इसे? ये तो हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ है, तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा उसे। अगर तुमने हमें ढूंढ लिया और हमें आजाद करवा दिया तो हम तुम्हारे गुलाम। या जल्दी हम इंतजार कर रहे हैं। देखो कैश में कॉर्ड ड्रॉप है। नहीं ये तो खाली। वेल कम से कम इतना तो जानती हूँ मैं अब कि कैसे उन शैतानों को रिहा करवाना है। हर हाल में ट्री ऑफ लाइफ तक पहुँचना होगा इससे पहले वो वहाँ पहुँच जाए। मुझे यकीन है कि ये सिंदबाद जो इतने बहादुर हैं ये ऊपर पहुंच जाएंगे, लेकिन बताती चलूं कि ऊपर बहुत सर्दी है, ऐसा ना हो आप कपकपाते हुए नीचे गिर जाएं। सर्दी? हाँ सही सुना तुम लोगों ने, ये आम पहाड़ नहीं। मेरे पास यहाँ बहुत लोग आए जिन्होंने इसे सर करने की कोशिश की लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ, सब गिर गए। उनकी आवाजें आज भी याद है मुझे। हम नहीं डरते। पीस ऑफ केक। मुझे भूख लग गई केक का सुनकर। सॉरी। तो चलो ट्री ऑफ लाइफ इंतजार कर रहा है हमारा। हमारे पास ऊपर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वॉक वॉक आइलैंड की जादूगरनी हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने वाली थी और गोल्डन सिटी की दुनिया जात के भी यही प्लान्स थे, मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। ऐसी जमी बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से वॉक वॉक आइलैंड वैसा ही था जैसा प्रिंस अहमद ने बताया था। बहुत सारे सर ट्री से लटके हुए थे। जादूगर पेरीबानो ने हमसे ये शर्त लगाई कि हम दोपहर तक ट्री ऑफ लाइफ नहीं ढूंढ पाएंगे। उसकी मैजिक ट्रिक्स के बावजूद हम शर्त जीत गए। The tree of life. मगर ट्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। तो बत
बताओ तुम में से कौन सबसे पहले पहाड़ पर चढ़ने वाला है? शेरजाद? प्रिंस? ब्लू मॉन्स्टर, क्या तुम जाओगे? मैं जाऊंगा। ध्यान से करिए, ठीक है? याद है ना मैंने क्या बताया था कि आज तक कोई भी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सका और ना ही लौटकर वापस आया। शेरजाद, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था, हो सकता है ये लड़की सच कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है हलील, लेकिन कोई तो रास्ता होगा उसका दिल जीतने का। वेल, ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसने सिंबाती सेलर की भी ऑफर रिजेक्ट कर दी थी, हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि आप में ऐसी कोई खास बात है कैप्टन। सुनो लेडी, मैंने अपने एडवेंचर्स में बहुत से खतरनाक दरिंदों को मजा चखाया है, और रही बात इसकी, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि तुम्हारे वॉक वॉक करने से पहले ही करीम वहाँ ऊपर पहुँच जाएगा। गो करीम गो। क्या हुआ? ओ करीम, ठीक तो हो ना? वॉक वॉक। नो, मैं ठीक हूँ, मेरा पैर स्लिप हो गया था, लेकिन ये आसान नहीं है। वही तो। प्लीज हमारी मदद करें, क्या आपके दिल में हमारे लिए बिल्कुल रहम नहीं आ रहा? हमें इसकी मदद की जरूरत नहीं है और ना ही ये हमारी मदद करेगी। अब मैं खुद जाऊंगा वहाँ। तो तुम इस बात पर शर्त लगाना चाहोगे? खुद को साबित करने के लिए मुझे आपसे शर्त लगाने की जरूरत नहीं, प्रिंसेस। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतनी बहस नहीं करती। वैसे तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरे दरख्तों पर बहुत जगह बाकी है, सही कहा ना? मैं ये कर सकता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। ये शख्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसे आसानी से कर लूंगा। देखो, इतना मुश्किल भी नहीं। सिंबा, तुम आए निकले इसमें। सर, इमेजिन करो, बहुत जल्द तुम नॉर्मल हो जाओगे और सुल्तान बन जाओगे, जैसे तुम्हारे बाबा चाहते थे, और मैं सिर्फ शेरजाद ही रहूंगी। क्या क्या कहा? तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम्हारे बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये सब यहाँ खत्म नहीं होगा, हम इसके बाद भी बहुत से एडवेंचर्स पर जाएंगे। सुल्तान बनने के बाद क्या एडवेंचर? सारा वक्त महल में बैठकर बस लोगों से मिलना, उनकी शिकायत सुनना, पेपर साइन करना, जैसे बाबा करते थे, और क्या। वाह, क्या दोस्ती है। तुम दोनों को देखकर मुझे अपने प्रिंस की याद आ गई। क्या क्या कहा? आप गलत सोच रही हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, है ना? राइट। ये हवाएं तो मेरा खून जमा रही है, और ट्री ऑफ लाइफ भी अभी बहुत दूर है। ये रास्ता भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे वहां तक पहुंचने के लिए जल्दी करना होगी। कम ऑन सिंबाद, कम ऑन। कहां गई? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तुम मदद करोगे ट्री ऑफ लाइफ ढूंढने में? हाँ, क्यों नहीं। नो। तो फिर यहाँ से चले जाओ। वाह, इतने सारे टॉयज। इसको हाथ मत लगाओ, ये हारून खालिद ने बनाया है, ये कोई टॉय नहीं। लेकिन ये सब कुछ देखकर मुझे कुछ हो रहा है, ये इसका अगला हिस्सा और ये पिछला। शर्तमान। बस जा रहा हूँ दुनियाजाद। हाँ सिंबाद, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, हम जानते हैं कि तुम कर सकते हो ये। हाँ, इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है, मगर अफसोस कि ये कर नहीं पाएगा।
में से आज तक मैंने इतनी ऊंचाई पर दरख्त कभी नहीं देखा। हाँ, कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पर है। यहाँ बहुत सर्दी है और दरख्त भी बहुत ऊपर है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नहीं नहीं, वो गिर रहा है। अरे मुझे पकड़ो। तुमने इसे बचा लिया करी? क्या वाकई ऐसा होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारी वजह से गिरा हूँ। मेरा टॉय तैयार हो गया। परफेक्ट, बस लिटिल बिट मोर। मेरा यकीन करो कि ये रास्ता बढ़ता ही चला जा रहा है। इसने जरूर उस पर कोई जादू किया। सरप्राइज पे सरप्राइज मिल रहे हैं। तो अगर ये ऊपर पहुंच जाता तो चले जाते ना तुम लोग और मैं फिर से अकेली रह जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और शहजाद, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। क्या कहा तुमने? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। चुड़ैल प्रिंसेस, मैंने कहा था मुझे प्रिंसेस कहना। आज तक किसी ऐसी प्रिंसेस से नहीं मिला जो अपने मेहमानों के साथ ऐसा सुलूक करे। वैसे मैं काफी प्रिंसेस से मिल चुका हूँ। पर मैं तुम जैसे लोगों से मिल चुकी हूँ। एक शख्स था जो मैं समझ गई थी कि धोखेबाज है और उसे मैं इन दरख्तों पर लटकाने ही वाली थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि भाग गया। इसलिए तुम जरा। लेकिन आप मुझे यहाँ नहीं लटका सकती क्योंकि मैंने आपसे कोई शर्त नहीं लगाई। क्योंकि तुम डरपोक हो इसलिए जानते हो कि हार जाओगी। सिल्वर्टी सेलर कभी भी किसी से नहीं डरता। ज्यादा मत बोलो। हटो तुम। तो बताओ शर्त लगाओगे मुझसे या नहीं? मैं शर्त ना लगाने की शर्त लगाता हूँ। ये नहीं मानेगा। क्या मैंने? बहुत अच्छे। आप देखो क्या होता है। ओह नो! अब तुम क्या कहोगे बहादुर कैप्टन सिंबाद? वोक। यूज़लेस! हारून खालिद की हर एक किताब बिल्कुल यूज़लेस है। फायदा क्या हुआ? ओह, लगता है आप जो ढूंढ रही थी वो आपको नहीं मिला। हारून खालिद की इन फजूल किताबों में ट्री ऑफ लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि ये बुराई को अच्छाई में बदल देती है। क्या फजूल बात है। काम की बात तो लिखना ही भूल गए। लोकेशन कौन बताएगा हमें? चलो मेरे घोड़े, चलना शुरू करो। हे, तुम सुल्तान का हुक्म नहीं मानोगे? चलो कमॉन। शाहजमान इस पर से फौरन रुको। बस मुझे एक सेकंड और दे दीजिए। तो ये क्या चीज है? वाओ, ये तो चल पड़ा। ये क्या कर रहा है? मैं कहती हूँ वापस अंदर आओ शाहजमान। ये तो Did you throw a stupid horse? Please, Princess Peribano, आप सिंबाद को दोबारा नॉर्मल कर दें। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी क्योंकि दी ग्रेट सिंबाद यहाँ लटका हुआ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ भी करके वहाँ पहुँचना है। सिंबाद को हम बाद में देख लेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मैं यहाँ दरख्तों पर लटक के सबकी तरह वॉक वॉक नहीं बोलना चाहता। चलो चलते हैं करीम। इसको वापस चैम्बर में रख दो उस्मान, और इसके बाद इन बेकार किताबों को भी बाहर फेंक देना, किसी काम की नहीं। ठीक है माय लेडी। अभी नहीं उस्मान, तुम्हें रुकना होगा। दरअसल इन बुक्स में इंस्ट्रक्शन मौजूद है हॉर्स को असेंबल करने की। तो क्या आप इसे दोबारा बनाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या शानदार राइड है। आई लाइक इट।
बस मुझे लैंडिंग सीखना होगी। मेरा ख्याल है केस बुक से शुरू करते हैं। यस। वैसे हमारे यहाँ आने का आइडिया सही तो था ना करीम? बताओ, समझ गए? मुझे आराम करना है। कर लो जितना आराम करना है, लेकिन नीचे मत देखना। समझाया था ना? कुछ करे। What? No, no. Next. अगर आप कहें तो इनमें देखें। सुल्तान का घोड़ा सिर्फ सुल्तान की सवारी के लिए है। ओह, देखा तुमने उस्मान? ये है इंस्ट्रक्शन। लेकिन ये सब कुछ तुमने क्यों नहीं बताया? अनिल, तुम्हें कूदना होगा। ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ऊंचाई से डर लगता है करीब, मैं जंप नहीं लगाऊंगा। नहीं यार, हो जाओ। प्लीज उसकी मदद करें। करीब। ठीक है, करती हूँ कुछ। देखो दुनिया साथ, माय मैकेनिकल स्पीड। ये घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? उस्मान ने इसे वापस नहीं रखा। इसके बारे में कुछ नायाब चीजें मालूम हुई हैं। नंबर एक, ये घोड़ा खुद सुल्तान के पास पहुंच जाता है, चाहे वो जहां भी हो। तो चेक करते हैं ये आता है कि नहीं। मेरे घोड़े, सुल्तान को ढूंढो। ए, सुल्तान यहाँ है, यहाँ इस जगह। गार्ड्स। ये तो करीम को तलाश कर रहा है। नो, ये मुझे चाहिए। सब कुछ उसी को क्यों मिलता है? इसका मतलब ये मुझे ट्री ऑफ लाइफ तक जरूर ले जा सकता है। गुड। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि ये घोड़ा करीम को तलाश कर रहा है और शेजाद उस ट्री ऑफ लाइफ को। इसके जरिए हम उन तक पहुंच सकते हैं। क्या कर दिया? क्या कर दिया मेरे घोड़े के साथ? नो, जाने दो उसे। क्या? मत जाने दो उसे। नो। कार्पेट। मेरा घोड़ा मुझसे दूर चला गया। लगता है तुम्हारा ये दोस्त ड्रामा कर रहा है। इतना भी जोर से नहीं गिराया मैंने इसे। ओह, आप इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं प्रिंसेस पेरिवानो? सिंबाद ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने उसे ऐसी सजा दी? वाक वाक, वाक वाक वाक। हाँ, थोड़ा ज्यादा बोलता है मगर इंसान अच्छा है। लेकिन ये मुझे उसकी याद दिलाता है जिसे मैं याद नहीं करना चाहती। किसे? वही, उसका नाम प्रिंस शरीफ था। बताएं मुझे उसके बारे में प्लीज। नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं हमेशा से यहाँ पर इस तरह अकेली नहीं रहती थी। मेरी माँ एक जीनी थी और मेरे बाबा एक बादशाह। इस आइलैंड पर एक महल था जिसमें हम रहा करते थे पेट पनाह दौलत के साथ, और वजह ये थी कि उस दौलत को छुपा कर रखना था। फिर बताएं क्या हुआ प्रिंसेस पेरिवानो? मेरे पास दुनिया की हर एक चीज थी जो एक शहजादी कभी सोच भी नहीं सकती, वो भी। मगर मैं तन्हा थी। फिर एक दिन शहजादा शरीफ इस आइलैंड पर आया। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहता है, और मैंने उस पर भरोसा किया। उसे इस आइलैंड पर मौजूद सारी दौलत के बारे में बताया, जबकि मेरे बाबा ने किसी को भी बताने से मना किया था। मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए उसे अपने वालिद की इजाजत की जरूरत थी। हाँ, लेकिन उसने वादा किया था कि वो वापस लौटकर जरूर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके वालिद अपनी फौज के साथ यहाँ आए और उन्होंने इस आइलैंड पर मौजूद सारे खजाने को चुरा लिया और हमारे महल को तबाह कर दिया। यही वजह है कि मैं किसी मर्द पर भरोसा नहीं करती। वो इस काबिल ही नहीं कि उन पर भरोसा किया जाए।
और मैं तुमसे भी यही कहूँगी कि किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन सिंदबाद वैसा इंसान नहीं है और ना ही करीम है, ये दोनों भरोसेमंद है। इसके बारे में बाद में सोचेंगे हम, लेकिन तुम्हारे इस मॉन्स्टर दोस्त को देखकर लगता है कि ये काफी अच्छा है। ठीक है, ये पिलाओ इसे। ओह, इस बार मैं जादू का गलत इस्तेमाल नहीं कर रही, यकीन करो मेरा। ये लो। कहाँ हूँ मैं? क्या चीज है ये? ये तुम्हें पहचानता है? पहचानेगा क्यों नहीं, ये घोड़ा इनके बाबा का जो है और उन्होंने ये इसलिए बनाया था कि अगर कहीं खतरा हो तो ये सुल्तान को ढूंढ ले और बाहिफाजत दूसरी जगह तक पहुंचा दे। रुको एक मिनट, याददाश्त अच्छी कैसे हो गई तुम्हारी? ये फ्लाइंग मैकेनिकल हॉर्स है, ऐसे जबरदस्त चीज को कौन भूल सकता है करीम। ये हमें ट्री तक ले जा सकता है। आ जाओ। रुको, मेरी बात सुनो, वहाँ मत जाओ। मिल गया मुझे। वाओ, ट्री ऑफ लाइफ। अब मजा आएगा। शेरजाद! रुक जाओ, मैं ठीक हूँ। The tree of life, finally. ये क्या हुआ? खत्म कर दो इस घोड़े को। छोड़ो, नहीं तुम्हें छोड़ना होगा। कौन हो तुम और तुम्हें यहाँ आने की किसने दावत दी? जल्दी करो, फ्रूट खाओ। नहीं, देखो पेरिबानों ने किया जरूर ये सब कुछ। नहीं, ये नामुमकिन है। उसके लिए बस ये एक छोटा सा गेम है। वो ऐसा कैसे कर सकती है हमारे साथ? देखो प्रिंसेस, इसकी बातों का यकीन बिल्कुल भी नहीं करना, ये किसी को भी धोखा दे सकती है। धोखा तो ये दे रहा है, मुझे यहाँ पर गोल्डन सिटी के सुल्तान ने भेजा है। मेरी बात मानेंगी तो मैं आपको बना दूंगी दौलतमंद। दौलत का लालच दे रही हो मुझे? जो दूसरों को धोखा देकर उनका माल लूट लेते हैं, तुम भी उन्हीं में से हो। आप मुझे गलत समझ रही हैं। ये ठीक नहीं हुआ। वो ट्री रियल नहीं है और तुम्हें ये बात पहले से पता थी। सॉरी, मुझे लगा तुम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। और ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी तुम लोग यहाँ मेरे साथ रहो और मुझे छोड़कर कभी न जाओ। कितनी बुरी जादूगरनी हो तुम, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मुझसे बदतमीजी कर रही थी, जानती नहीं मैं प्रिंसेस हूँ, यहाँ की प्रिंसेस। अब निकल जाओ मेरे आइलैंड से। मैं तो जा रही हूँ लेकिन तुम लोग शायद यही रहो, क्योंकि तुम लोगों के पास अब वो घोड़ा भी नहीं। ओह, मेरा घोड़ा। बहुत अफसोस हुआ। ये औरत तो वाकई किसी चुड़ैल से कम नहीं थी और उसने गलत कहा, तुम लोग मेरे आइलैंड से जा सकते हो।
पर एक शर्त पर, इसे साथ लेकर जाना होगा। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है पहले जैसा बनकर। तुम इतने भी बुरे नहीं जितना मैंने समझा था। अब एक बात है जो ट्री ऑफ लाइफ के बारे में बता सकती हूँ मैं तुम्हें। उसके बारे में मेरे बाबा को ओरेकल ऑफ द इफ्रिट ने बताया था। क्या बताया था? उसने कहा कि वो सब कुछ जानता है ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। हाँ? हाँ? वो हमें मिलेगा कहाँ? वो एक बहुत बड़े सहरा में रहता है। मेरे बाबा ने उसका नक्शा बनाया था। ये तुम लोगों के काम आएगा। ओह थैंक यू प्रिंसेस, हम आपका ये एहसान कैसे उतार सकते हैं? बस मुझसे दोस्ती कर लो तुम, और ये नीले बालों वाला बहुत अच्छा है। दोबारा जरूर आना। वैसे उसने कहा क्या तू? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और उस मैप के साथ हम डेजर्ट की तरफ जाएंगे और ट्री ऑफ लाइफ की हकीकत तलाश करेंगे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो ओरेकल ऑफ इफ्रित ने हमसे एक डिमांड की जिससे हम हैरान रह गए। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमीन बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समान, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजा देख न पाए, खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजा जल से मिटाए, आए शहजा आके हर उलझन सुलझाए। हमें एक पहाड़ के ऊपर ट्री ऑफ लाइफ मिल गया और दुनिया साथ हमें ढूंढने में कामयाब हो गई। फिर पेरीबानों ने उसे सबक सिखाया, मगर वो ट्री महज एक वहम था। Finally! खुशकिस्मती से पेरीबानों ने हमें एक मैप दिया जो हमें रियल ट्री तक ले जाएगा और हम फाइनली मेनलैंड आ गए। तुम्हें बहुत मिस किया। क्या मैं इसको बता दूं या फिर रहने दूं? नहीं मोर्गाना, अभी नहीं मिला, लेकिन हमें एक क्लू जरूर मिला है। हाँ, वॉक वॉक आइलैंड की जादूगरनी ने हमें ये मैप दिया है और ये हमें ओरेकल ऑफ द इफ्रित तक ले जाएगा और वो ये जरूर जानता होगा कि ट्री ऑफ लाइफ कहाँ पर है। हाँ, ये तो और भी एडवेंचरस होगा। वैसे कहाँ है ये ओरेकल? अनफॉर्चुनेटली ये मैप पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन क्रिस्टल सिटी में कोई है जो ये पढ़ सकता है। डुबान, डॉक्टर डुबान। जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्यों ना मॉन्स्टर की छींकों का भी इलाज उनसे करवा लें। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ, क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं यहाँ? मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, तुम्हें भी पहले कुछ खा लेना चाहिए सिंबाद। जबरदस्त, मेरे चराग के अंदर तो दावत के लिए हर चीज मौजूद है। याद आ गया, उसमें तो सिर्फ कुकिंग ऑयल है। इस सब का वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी वहाँ पहुँचना होगा इससे पहले दुनिया साथ को पता चल जाए कि हम जिंदा हैं। वो यकीनन इस वक्त भी ट्री की ही तलाश में होगी। अगर ऐसी बात है तो तुम सबको बेस्ट ऑफ लक। मैं और मुर्गाना यही रुकेंगे, बाकी जिसको जहाँ जाना है वो जा सकता है। तो फिर क्या तुम हमें छोड़ दोगे सिंबाद? हाँ? वाकई सिंबाद, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इफ्रत से डर लग रहा है? डर? और मैं? सिंबादी सेलर को किसी से डर नहीं लगता। मुझे डर है कि हमारे एडवेंचर्स खराब ना हो जाएं। ओह नहीं नहीं, मैं उस डर की बात नहीं कर रहा, मैं तो बस ये सब यूं ही कह रहा था। तुमने जो कुछ किया हमारे लिए उसके लिए शुक्रिया। ये लो मेरी पसंदीदा दूरबीन, इसने हर सफर पर मेरा बहुत साथ दिया है। रख लो, तुम्हारे भी काम आएगी।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया आछू। कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ तो। इससे पहले कि वो पहुँचे मुझे ट्री ऑफ लाइफ तलाश करना ही होगा। ट्री? कौन सा ट्री? शाहजमान, क्या तुम्हें ट्री ऑफ लाइफ भी याद दिलाना पड़ेगा? भूल गया। इतनी अहम बात तुम कैसे भूल सकते हो? उस्मान, कहिए क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? तैयार करो सिपाही, हम हमला करेंगे क्रिस्टल सिटी पर आज। लेकिन मेरे सुल्तान, ये वक्त बिल्कुल सही नहीं है जंग के लिए। हमें एक बार पहले यूनान की आर्मी का सर्वे करना चाहिए। तो तुम समझाओगे हमें? जैसा आपका हुक्म हो मेरे सुल्तान। ओ, क्या पक रहा है? खुके, ऐसा सोच भी कैसे सकते हो शाहजमान कि मैं खाना बनाऊंगी? तुम्हें क्या पालक पनीर बनाना आता है दुनियाजार? याद आ गया, मॉम के हाथ का पालक पनीर बहुत ही लजीज और जायकेदार बनाती थी वो। भूल जाओ उसके बारे में। ये इतना आसान नहीं है दुनियाजार, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। नहीं भूल सकते, मत भूलो कि मैं दुनियाजार हूँ। क्या इसे पहनना जरूरी है? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मजबूरी है क्योंकि हम डॉक्टर डुबान के पास जा रहे हैं। तुम्हें ये पहनना ही होगा क्योंकि वहाँ कोई हमें पहचान सकता है। चलो वापस जाकर हम सुल्तान को बताएंगे कि हमें वहाँ पर कोई नहीं मिला। लगता है उन्हें हमारा पता चल गया है, जब भी वो यहीं आ रहे हैं। वो रहे, वहीं रुक जाओ। वाह वाह, इस बार तो सुल्तान बहुत खुश होंगे। नहीं प्लीज, याद है जब हमने महल में कहा था कि करीम वापस आ जाएगा? वेल, ये करीम ही है। ये मॉन्स्टर नहीं बल्कि असली सुल्तान है। झूठ है, मुझे बेवकूफ समझती हो क्या? आपको यकीन करना होगा, इसकी आंखों में देखें, इसकी आवाज सुने। देखते हैं फिर, बोले। अगर आप वाकई तक के वफादार हैं तो आप सही फैसला करेंगे उस्मान। नो, मैं तुम्हारी इन चालों में नहीं आने वाला। आखिर कैसे? एक बहादुर सिपाही ने कहा था मुझसे, ताकत से नहीं दिमाग से लड़ोगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। मैं यही सिखाता हूँ अपने तमाम गार्ड्स को। तुमने ये कहाँ से सुना? तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा, ये मैंने। हे, कौन है वहाँ? भागो! चलो हमें सुल्तान तक खबर पहुंचानी होगी। तुमने देखा, उस्मान हमारे पीछे नहीं आया, शायद वो मुझे पहचान गया। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे लगता है कि उसने तुमसे हार मान ली। आए तो भी कहा था यार नहीं यहाँ। सो सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया डॉक्टर डुबान। यस, समझ में आ रहा है मुझे ये। ऐसा एक नक्शा मैंने पहले भी देखा है, ये साइफर लैंग्वेज है। इसमें क्या लिखा है डॉक्टर?
थियोरिकल ऑफ द एफ्रिट जो आग और राख से पैदा हुआ। अल्मराज के सहरा में इसका आशियाना, वही बता सकता है ट्री ऑफ लाइफ का ठिकाना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन मुझे याद है साल के दिनों यहाँ बहुत रेत उड़ती है। उस जगह को ढूंढने के बाद सबसे पहले तुम्हें आग लगानी होगी रेत पे, उसके बाद ही वो ओरेकल ट्री ऑफ लाइफ का राज बताएगा, लेकिन किसी चुने हुए को। समझ गया, ये तो कोई मसला ही नहीं। अच्छा, मुझे तो इनकी एक बात समझ नहीं आई, ये बताएं कि हम सहरा में आग कैसे लगाएंगे। इससे लगाएंगे अ मैजिकल थिंडर स्टिक, ये कमाल की चीज है, इसे होशियारी से यूज करना, ये एक बार ही इस्तेमाल हो सकती है। ओह ग्रेट, चलो फिर गुड नाइट। रुके डॉक्टर डुबान, प्लीज हमारे साथ चलो। नो, इतना लंबा सफर वो भी इस उम्र में, ना, बैड फॉर माई हेल्थ। प्लीज डॉक्टर, हमें वहाँ आपकी जरूरत होगी, आपकी नॉलेज की, आप जीनियस है। कितनी अच्छी बात होगी ना जब इन दोनों को एक और जीनियस मिल जाएगा। वो अभी तक जिंदा है उस्मान। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, उसने हमें बहुत आसानी से हरा दिया। उस्मान? किसने? शेरजाद ने या फिर टॉकिंग लैंप ने? नहीं, उस भयानक नीले मॉन्स्टर। उन्हें पकड़ो किसी भी तरह। हाँ पकड़ेंगे उन्हें, मगर उससे पहले होगी क्रिस्टल सिटी से जंग, क्योंकि यही सही वक्त है। उनके सिपाहियों के टुकड़े कर देंगे इस कप की तरह। नहीं टूटा? नो, अभी जंग का वक्त नहीं आया है, ये तब होगा जब मैं मेरा मतलब कि हम इतने ताकतवर हों कि विक्ट्री हमारा मुकद्दर हो। लेकिन वो कैसे होगा दुनियाजार? भूल गए? हाँ? ट्री ऑफ लाइफ, हमें उनसे पहले उसे ढूंढना होगा। ट्री ऑफ लाइफ तक हमें पहुंचाने वाले भी वही होंगे। I like it. ये होगा कैसे? Well, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो डॉक्टर डुपान के पास जरूर गए होंगे। उन पर नजर रखने के लिए एम्स को पीछे लगा देते हैं, जो हर खबर की रिपोर्ट मुझे करेंगे। बिल्कुल फ्लॉप है ये आइडिया, लेकिन हमें पहले करनी है जंग। लेकिन खाली पेट जंग नहीं हो सकती, इसलिए हमें कुछ खाना है। थोड़ी देर के लिए खाने को भूल नहीं सकते, जंग करना अकलमंदों का काम नहीं है। विक्ट्री के लिए कुछ और सोचना होगा। भूल जाओ। हम लोग क्या बात कर रहे थे? क्या हुआ उस्मान, क्या खबर लाए हो? उस्मान के गार्ड्स इर्द गिर्द ही होंगे, हमें बहुत ही देहान और खामोशी से जाना होगा। क्या आपके पास मेरे फ्लू का कोई इलाज नहीं? ओ, इस फ्लू का बड़े बड़े डॉक्टर तभी कुछ ना बिगाड़ सके तो मैं क्या चीज हूँ। हाँ, चाय में शायद मिलाकर पी लो तो शायद ठीक हो जाओ। यही जगह लग रही है। द डेजर्ट ऑफ अल्मराज, कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो आपके हिसाब से ठीक है क्या? डॉक्टर डुबान, हम यहाँ कैसे ढूंढेंगे इफ्रत ओरेकल? यही नक्शा उस तक पहुँचाएगा हमें। पहले यहाँ से यूं इस तरह, हाँ थोड़ी दूर और जाना होगा। अब हम सही जगह पहुंच गए। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ओह डॉक्टर डुबान, आपने हमें बचा लिया, अगर आप नहीं होते तो हम क्या करते? मुझ पर तुम्हारे बाबा का एहसान है शहरजाद, बहुत बड़ा एहसान। हमारे पास एक ही मौका है ये करने के लिए, है ना शहरजाद? तुम करोगी ये? Oh no! नहीं, रुक जाओ, जल जाओ, वापस
नहीं लगता अब ये दोबारा जलेगी डॉक्टर। मालिकिन वो ओरिकल ऑफ द एयरफ्रेट तक पहुंच गए हैं और उसे जगाने के लिए तीली जलाई उन्होंने। तीली तो जल गई थी लेकिन नील मास्टर ने कहा अच्छू, फिर आज ने कहा बाय बाय। ये कैसे हो गया? ये काम मैं खुद कर लूंगी माय लिटिल एम्स। दुनिया जात, क्या लंच नहीं करेंगे आप मेरे साथ? अभी तो आपने अपना फेवरेट खाना खाया। ओह हाँ, बहुत मजे का था। लेकिन मेरा फिर से कुछ खाने का दिल चाह रहा है। मुझे शायद अब उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते डॉक्टर डुबान, अब आप ही बताएं हम क्या करें। शायद हमें घर वापस जाना होगा या सोचो कि स्टिक कैसे मिलेगी। फिर याद आया, हलील आपने कहा था आपके पास ऑयल है ना? हाँ वो तो है मेरे पास, मेरे लैंप में। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है शेरजाद, उसके जरिए हम इसे जला सकते हैं। लग तो ऐसा रहा है कि कुछ देर बाद मैं खुद भी जल जाऊंगा। काश मैं अपनी छतरी ले आता साथ। आई, क्या हुआ? मैं रास्ता ढूंढ रहा था। हम टेलीस्कोप के इस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सन रेजेस से ऑयल पर आसानी से आग लग जाएगी। जबरदस्त, क्या शानदार आइडिया है, एक्सीलेंट। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। करीम, हलील के लैंप से आप उस जगह पर तेल डालें। शुक्र है इस वक्त ठीक नहीं आई। गुड। हाँ। मुझे नींद से किसने जगाया? जल्दी करो, मैं अपना राज सिर्फ एक बार बताऊंगा। जिन दो को चुना गया है वो आगे आए। हाँ, ये क्या कह रहा है? दो लोगों को चुना गया है? हमारी बात कर रहा है शायद। हम दोनों यही हैं ओरेकल। मैंने दो लोगों की बात की है, किसी मॉन्स्टर की नहीं। समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? रुके, जा रहा नहीं। ठीक है, बताएं दूसरा कौन है। ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। नहीं, रुक जाए, और कौन हो सकता है? समझ नहीं आ रहा, अगर ये हर एक को इसी तरह मना करते रहे तो हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? हलील चुप रहे प्लीज, रुके। आखिरकार वो आ गई जिसे चुना गया है। क्या दुनिया आजाद? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरे रास्ते से हट जाओ मॉन्स्टर। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, कहिए। अब जिन लोगों को चुना गया है एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। आपका मतलब मैं और शेरजा? नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढने के लिए हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। लेकिन अगर हम दोनों ये जान जाते हैं कि वो कहाँ है तो तुम हमें रोकने की कोशिश करोगी। ठीक कहा, और तुम मुझे रोकोगी। हालांकि मेरे लिए मुश्किल है कि मैं तुम्हारे साथ काम करूं, लेकिन हाथ मिला लेते हैं। मिलाओ। हाँ।
मैं जल्दी करो, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी मॉम आसिफा फसीहा थी और मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि तुम्हारी मॉम का मकसद पूरा हो। तो ये सब तुम पावर के लिए नहीं कर रही, तुम सिर्फ बदला लेना चाहती हो मुझसे। बदला और तुमसे? तुम्हारी हैसियत चींटी से ज्यादा नहीं। तो तुम्हारा क्या इरादा है? ट्री ऑफ लाइफ हर एक को अपने अंदर की बुराई से बचाता है, लेकिन मैं इस बुराई को दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। यही मेरी मॉम का मिशन था, लेकिन तुम्हारे वालिद ने उन्हें रोका। अब मुझे मौका मिला है कि मैं उस अजीम जादूगरनी आसफा फसीहा का मिशन पूरा कर सकूं। क्या ट्री ऑफ लाइफ से मिशन पूरा हो सकता है? ट्री ऑफ लाइफ में दुनिया की भलाई और बुराई दोनों शामिल है। अब ये तुम पर है कि तुम उसका क्या इस्तेमाल करते हो। सोच लो, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही हूँ शेरजा, दोस्ती के लिए। डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं इनके हाथ में क्या है? इसमें जरूर इनकी कोई चाल दिखाई देती है मुझे। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी करो शेरजाद, हाथ बढ़ाओ अपना। और कोई रास्ता भी नहीं है। हम दोनों आ गई हैं और जो भी कहा जाए उसे गौर से सुनना, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा ट्री ऑफ लाइफ के बारे में। आखिरी अजीब ताकत का महल जहाँ छुपा है मिस्ट्रिक पोर्टल, वो गोल्डन की से खुलता है जिसके क्लू में एक लाफानी ताकत है। करीब मेरी चाल चलने का वक्त अब आ गया है। किधर? बस मिल गया। ए, वापिस करो, ये हमारा है। कभी नहीं, 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 छील सको तो छील लो। लड़ क्यों रहे थे हम लोग वैसे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, मुझे भी सहेली से क्या काम, फालतू है बिल्कुल। बहुत जल्द अंजाम को पहुंच जाओगी तुम। अच्छी बात ये है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे। कोई आखिरी ख्वाहिश? वेट, क्या हुआ? ये जगह कौन सी है? मैं भी खुद जानना चाहता हूँ क्या हुआ आखिर। क्या हम ओरेकल में पहुंच गए? हाँ बताओ मुझे, आखिर कहाँ है हम? तो क्यों है तुमने मेरे साथ? बताओ मुझे। मुझे नहीं मालूम। हलील, आपने कमाल कर दिया, आपने बहुत हिम्मत दिखाई, हम आदमी हीरो हैं। अगर मैंने हिम्मत दिखाई है तो फिर हम भाग क्यों रहे हैं? मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। एक और पहेली। आखिरी अजीम ताकत का महल एक मिस्टिक पोर्टल को छुपाए हुए है और वो एक गोल्डन की से खुलता है जिसके ग्लो में एक लाफानी ताकत है। मिस्टिक पोर्टल और गोल्डन की, मतलब ये है कि एक नया मिशन। हाँ, और एक नई उम्मीद भी। जमाल, क्रिस्टल सिटी की तरफ चलो। हमारे पास एक क्लू था और अच्छी बात ये थी कि दुनिया जात के पास नहीं था। अगर हम खामोशी से अपना काम करते रहते तो कामयाब हो सकते थे, लेकिन दुनिया जात की नजर से बचना आसान नहीं था। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।